हेलो दोस्तों, आज हम कोई रेसिपी की वीडियो नहीं डाल रहे हैं। आज हम किचन की और कुकिंग की कुछ टिप्स शेयर करेंगे। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और आगे भी शेयर करना। तो चलिए देखते हैं टिप नंबर वन। दोस्तों, जब भी हमें सुबह जल्दी होती है या किसी टाइम हमें जल्दी होती है तो हम बहुत सारा आटा गूंद लेते हैं, और उसको गूंदने के बाद जब हम फ्रिज में रखते हैं तो ये ऊपर से आप देख रहे हैं इस तरह से पपड़ी जम जाती है। कभी कभी वो काली पपड़ी भी होती है, कभी कभी ब्राउन पपड़ी भी होती है, तो उससे हमारी रोटी खराब बनती है। तो उससे बचने के लिए हमने क्या करना है, जब जब भी हम आटा गूंदें उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देसी घी है हमारा, देसी घी लेंगे और थोड़ा सा हाथों में लगाएंगे और ऊपर से इस तरह से अच्छे से इस पर लगा देंगे। ध्यान रखना दोस्त, इस पर रिफाइंड नहीं लगाना है, देसी घी लगाना है। और इसको अच्छे से चिकना करने के बाद अब हम इसको ढककर रख देंगे। आप नाइट ओवरनाइट भी रख सकते हैं, आप कुछ घंटों भी रख सकते हैं, बिल्कुल आपका आटा वैसा ही रहेगा और उसकी रोटियां भी बहुत सॉफ्ट बनेंगी। देखिए, मेरे 6-7 घंटे हो गए हैं और बिल्कुल आटा ऐसा रखा हुआ है जैसे अभी हमने ताज़ा गूंदा है। अब हम इसकी रोटियां बनाएंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम रोटियां बनके तैयार होंगी। दोस्तों, अगर ये टिप आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर एक बार इसको आजमा के देखना। दोस्तों, नेक्स्ट टिप है हमारी बैंगन के भरते को लेके। भरता तो हम सभी बनाते हैं, लेकिन जब आप इस तरह से भरता बनाएंगे, जब भी आप बैंगन भूनें तो थोड़ा सा ऑयल लें और इस तरह से इसको अच्छे से चिकना कर लें। चिकना करने के बाद अब इसको डायरेक्ट गैस पर आप भूनेंगे तो इसका छिलका है ना, बड़े आसानी से उतर जाएगा और बिल्कुल क्लीन निकलेगा। दोस्तों, जब भी आप घी गर्म करते हैं और गैस पर रखकर अगर भूल जाते हैं, कुछ काम करने लगते हैं, तो घी हमारा उफन कर ऊपर निकल जाता है। तो दोस्तों, उसके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप आपको बता रही हूँ। इस तरह की आप कोई भी कलछी लें और जिस टाइम घी आपका गैस पर रखा हो, गैस का फ्लेम मीडियम रखें और इस तरह से चम्मच को रख दें। उसके बाद आप कोई भी काम कर सकते हैं, कितनी भी देर तक आपका घी रखा रहेगा, बिल्कुल भी ऊपर नहीं निकलेगा। तो ये बहुत अच्छी टिप है और अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर फॉलो करना। दोस्तों, नेक्स्ट टिप है हमारी टिप नंबर 4। जब भी हम भिंडी की सब्जी बनाते हैं तो अक्सर कर हमारी भिंडी एकदम चिपचिपी सी बनती है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जब भिंडी की सब्जी हमारी आधी गल जाए उसके बाद हमें आधा नींबू लेना है और नींबू निचोड़ देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि भिंडी बिल्कुल खिली खिली बनी है, बिल्कुल आपस में चिपकेगी नहीं और जो उसमें तार से चिपचिपे होते हैं वो भी नहीं होंगे। तो ये टिप बहुत ही यूजफुल है, अच्छी लगे तो एक बार ज़रूर आजमा के देखना। तो नेक्स्ट टिप है दोस्तों, जब भी हम पनीर के गुलाब जामुन बनाते हैं तो उस टाइम अगर हम उसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड कर दें तो गुलाब जामुन बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल उसमें ऐसा टेस्ट आता है जैसे मावा के बने हों। तो ये टिप भी बहुत अच्छी है, अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर आप इसको एक बार यूज करके देखना। दोस्तों, अगली टिप है हमारी इमली को लेके। लंबे टाइम तक इमली को हमें किस तरह से स्टोर करना है, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा इमली है, लंबे टाइम तक हम उसको रखना चाहते हैं, तो इमली में हमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देना है। और नमक ऐड करने के बाद इसको एयर टाइट पॉलीथीन या किसी कंटेनर या किसी डिब्बे में इसको बंद करके आप फ्रिज में स्टोर करके 1 महीने 2 महीने 6 महीने यानी 1 साल तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बहुत ही अच्छी टिप है, बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली टिप की तरफ। जब भी घर में बच्चे नॉर्मल तरीके से समोसे या कोई भी घर में नॉर्मल समोसे खाने से इनकार करता है, तो आप अपने बच्चों को, परिवार को इस तरह से कौन समोसा बनाकर उनको नाश्ते में दे सकते हैं, इवनिंग में दे सकते हैं और किसी भी टाइम बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और खाने में भी बिल्कुल इनका थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें आलू बहुत ज़्यादा नहीं भर पाते हैं और नीचे लंबी सी कॉर्न की तरह निकली होती है। और अच्छे से लॉक कर दें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर एक बार शेयर करें। मिलते हैं।